सो हेलो डियर गेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रवि गांधी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी इस कंट्रोल सिस्टम पाठशाला के लेक्चर नंबर 11 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2017 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर 2 को, और इसमें डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के 1 मार्क और 2 मार्क के सभी MCQ। अगर आप पहली बार हमारी चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आपको गेट 2018, गेट 2019 एंड गेट 2020 के ECIC एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के कंट्रोल सिस्टम सॉल्यूशंस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो फॉर मोर डिटेल्स हमारे साथ बने रहिए। तो भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सो हेलो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो सीरीज का ये लेक्चर का फर्स्ट MCQ ये है, और इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। व्हेन अ यूनिट रैंप इनपुट इज अप्लाई टू द यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैविंग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन COS बाय ROS KS प्लस B अपॉन S2 प्लस AS प्लस B, दिस ऑल कॉन्स्टेंट्स आर पॉजिटिव, द स्टेडी स्टेट एरर विल बी। मतलब कि ये क्लोज लूप सिस्टम का हमें स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, मतलब के दैट इज जी अपॉन 1 प्लस GH देखे रखा है। सिस्टम यूनिटी फीडबैक है, मतलब हमारा H जो है वो यूनिटी है। मैं GOS और HOS की जगह GNH लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या देखे रखा है, इनपुट जो है हमारा दैट इज R, ROS की जगह मैं R लिख रहा हूँ, दैट इज यूनिट रैंप, मतलब के 1 अपॉन S2 देके रखा है। इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो सबसे पहला हमारा ये काम होगा कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन देके रखा है कि एस प्लस बी अपॉन S2 प्लस AS प्लस B, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन क्या हम GOS इंटू HOS फाइन कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यस सर, हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, GOS इंटू HOS हमें इसके ऊपर से मिलेगा, ये ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर से थोड़ा एलोबरेटिव वर्क करने से ये मिलेगा, दैट इज KS प्लस बी अपॉन S प्लस A माइनस K। सो हमारे पास GOS इंटू HOS आ गया। अब हमें पता है कि जो डायनेमिक एरर होती है EOS उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ROS अपॉन 1 प्लस GOS इंटू HOS, राइट। सो हमें क्या फाइन करना है, स्टेडी स्टेट एरर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टेडी स्टेट एरर, सो स्टेडी स्टेट एरर इज S लिमिट S टेंस टू 0 EOS, राइट। सो अब ये फॉर्मूला लेंगे और EOS की वैल्यू यहां से यहां पुट करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, लिमिट S टेंस टू 0। And what is EOS? That is ROS. What is ROS? That is 1 upon S2 into what is GOS? HOS. So GOS HOS is KS plus B upon S plus A minus K. Right? अब देखो ये S और ये एक S कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ S बचेगा। ये S को आप नीचे ले जाओगे मतलब के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये S और ये S कैंसल हो जाएगा, मतलब के हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन लिमिट S टेंस टू 0। अब नीचे क्या बचेगा, S प्लस ये S और ये S कैंसल आउट हो गए तो अब ऊपर क्या बचा, KS प्लस B अपॉन S प्लस A माइनस K। अब यहाँ लिमिट हम अप्लाई करेंगे S टेंस टू 0, सो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये पोर्शन 0, ये पोर्शन 0, तो अब क्या बचा, स्टेडी स्टेट एरर हमें क्या मिलेगा, इसके हिसाब से B अपॉन A माइनस K डिनोमिनेटर में, तो A माइनस K ऊपर चला जाएगा, सो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन B अपॉन A माइनस K, राइट। सो हमारा स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, a माइनस के ऊपर चला जाएगा, सो दैट इज a माइनस के अपॉन b। सो
दिस इज द राइट ऑप्शन एंड दिस इज द राइट आंसर एंड व्हाट इज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, दिस इज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू, राइट. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू. सो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? दिस इज सेकेंड एमसीक्यू, अगेन वन मार्क का है. द ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस ऑफ अ कंपेंसेटर इज गिवन बाय, ठीक है. सो यहाँ पे हमें कंपेंसेटर ट्रांसफर फंक्शन दिया है. दिस इज कंपेंसेटर ट्रांसफर फंक्शन, ओके. और यहाँ पे स्पेसिफाई किया है द फ्रीक्वेंसी रेंज इन विच द फेज लीड इंट्रोड्यूस, मतलब कि ये लीड कंपेंसेटर है, बाय कंपेंसेटर रीचेस द मैक्सिमम इज, मतलब के आउट ऑफ दिस ऑप्शन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फ्रीक्वेंसी रेंज फाइंड करनी है जहां पे जो फेज है वो हमें मैक्सिमम मिले, ठीक है. सो हम कौन सा अप्रोच यूज कर सकते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? हमारे पास ये जो सी ऑफ एस है वो है लीड कंपेंसेटर, जो ऑलरेडी मेंशन किया है, क्योंकि हमें फेस को मैक्सिमम लीड कराना है. सो सबसे पहले हम एस इक्वल्स टू जे ओमेगा ले सकते हैं, द ट्रेडिशनल मेथड. सो इसके ऊपर से हमें सी ऑफ जे ओमेगा मिल जाएगा, दैट इज वन प्लस जे, दिस इज ओमेगा बाय पॉइंट वन इंटू 1 प्लस जे ओमेगा बाय 100 अपॉन दिस इज 1 प्लस जे ओमेगा एंड दिस इज 1 प्लस जे ओमेगा बाय 10, राइट. अब इसके ऊपर से हमें फेज एंगल इक्वेशन भी मिल जाएगा 5. फेज एंगल इक्वेशन क्या होगा? जो न्यूमेरेटर है उसका फेज एंगल टेन इनवर्स ओमेगा बाय पॉइंट वन प्लस टेन इनवर्स ओमेगा बाय 100 माइनस, ये क्या होगा, टेन इनवर्स ओमेगा माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाय 10, राइट. सो हमें फेज एंगल इक्वेशन मिल गया, वी गॉट दिस फेज एंगल इक्वेशन. अब हमें क्या फाइंड करना है, ये फेज एंगल को मैक्सिमाइज करना है. तो उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेंज कंसीडर करनी पड़ेगी, ये फाइंड करना है. सो हम कैसे फाइंड करेंगे, कोई अप्रोच? सो यू सी द ऑप्शंस, व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी 0.1 एंड व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 100. डिफरेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा लेंगे और डिफरेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा के ऊपर डिफरेंट वैल्यू ऑफ फेस फाइंड करेंगे. सो लेट्स से सबसे पहले लेते हैं 0, फिर लेते हैं उससे थोड़ा ऊपर 0.1, फिर 1 एंड फिर 10. एंड लेट्स सी क्या वैल्यूज मिल रही है. तो ओमेगा इज इक्वल टू, आप 0 लेंगे तो 10 इनवर्स 0 आपको 0 देगा, 0 देगा. सो फेज इज 0. अब 0.1 की बात करते हैं, तो 0.1 के ऊपर आपको फेज मिल रहा है 38.77, ओके. जब आप ओमेगा इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो आपको फेज मिल रहा है 34.15, ओके. और आप जब 10 ले रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 10, तो आपको जो फेज है वो मिल रहा है माइनस 34.15. मतलब कि अगर आप फेज डायग्राम बनाए इसका, फ्रीक्वेंसी वर्सेस फेज एंगल, इट इज क्लियरली शोइंग दैट एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 यू आर गेटिंग 0 फेज शिफ्ट, बट एज यू इंक्रीज 0.1 एंड फर्दर 10, सो आपको क्या मिल रहा है 1 के ऊपर, लेट्स से यहां इसके ऊपर, यहां 0.1 के ऊपर, सो वी आर गेटिंग लाइक दिस
बट जब आप इससे आगे बढ़ रहे हैं सो इट क्विकली मूव्स टूवर्ड्स सम नेगेटिव पोर्शन. सो योर दिस रेंज इज द परफेक्ट रेंज, दैट इज यहां से आपको वैल्यूज मिलना शुरू हो रहा है. सो आप या तो फिर 0 और 1 के बीच में लीजिए, या तो फिर 0.1 थोड़ा ज़्यादा लेके 1 के बीच में लीजिए. सो दिस टू मे बी द ऑप्शन. सो आपका यहाँ पे दिस ऑप्शन सेट्स परफेक्टली. सो ये ए ऑप्शन जो है 0.1 और 1 के बीच में, दैट इज़ द राइट ऑप्शन. तो हमारा 2 मार्क के एमसीक्यू, सो हमारे 2 मार्क के एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है. और क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? द रूट लोकस ऑफ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन s2 प्लस 6ks प्लस 2s प्लस 5 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द डेल्टा s दे के रखा है, where k greater than 0 enters into the real axis at. ठीक है, मतलब के सिंपली हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन विथ रियल एक्सिस. ठीक है, मतलब के ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के k की ग्रेटर देन 0 की वैल्यू के ऊपर जो भी क्लोज लूप पोल्स होगा वो रियल एक्सिस को कौन से पॉइंट को एंटर करेगा. ठीक है, सो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले वी विल सी द अप्रोच, हम कौन सा अप्रोच लगा सकते हैं. सो वी नो दैट सबसे पहले रियल एक्सिस में इन करेगा या आउट करेगा वो स्पेसिफाई करेगा हमारा ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट. सो अगर हम ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करेंगे, हमें ऑलरेडी पता है कि सिस्टम का ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन रियल एक्सिस, राइट. सो ये जो ब्रेक इन या ब्रेक अवे पॉइंट है वो ऑलवेज रियल एक्सिस के ऊपर लाइन करता है. सो रियल एक्सिस के ऊपर जो ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा वही ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड ब्रेक अवे पॉइंट? हमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से शुरू करना रहता है. सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? दैट इज s2 प्लस 6ks प्लस 2s प्लस 5 इक्वल्स टू 0. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड k, राइट, क्योंकि हमें k के ऊपर से dk / ds फाइंड करना होगा और फिर dk / ds को 0 से इक्वेट करना होगा. सो व्हाट इज k फ्रॉम दिस इक्वेशन? सो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे सो आपको k ऐसा मिलेगा s2 प्लस 2s प्लस 5 अपॉन 6s और माइनस कॉमन. ठीक है, सो फ्रॉम दिस इफ यू फाइंड dk / ds, सो dk / ds आपको क्या मिलेगा? दैट इज डिनोमिनेटर स्क्वायर. So this is 36s2. Numerator's differentiation, that is s2 plus 2 into denominator as it is minus a denominator's differentiation, that is 6, and numerator as it is s2 plus 2s plus 5. So if you further simplify this, आपको जो है वो dk / ds मिलेगा समथिंग लाइक, ये आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 12s² प्लस 12s माइनस 6s² माइनस 12s माइनस 30. और ये जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहेगा 36s². सो दिस 12s कैंसल आउट. और अब इस तरफ हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अगर इसको
जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, डीके बाई डी एच इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ हमें क्या बचेगा, क्या मिलेगा, 6s² माइनस 30 इक्वल्स टू जीरो। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी विल गेट, s² माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो। सो हियर वी हैव टू ऑप्शंस, s प्लस रूट 5 एंड s माइनस रूट 5 इक्वल्स टू जीरो। सो आउट ऑफ दिस टू, s इक्वल्स टू माइनस रूट 5 और प्लस रूट 5, ये जो दो है वो दो लोकेशन है ब्रेकअवे पॉइंट के, रियल एक्सिस के ऊपर, राइट। अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, सो फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास क्या मिलेगा, जी ऑफ एस एच ऑफ एस, और इसके ऊपर से आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। एंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आप फाइंड करोगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को पता चलेगा कि सिस्टम इज ओपन लूप स्टेबल, मतलब कि जो s इक्वल्स टू माइनस रूट 5 है वो जो है वो रियल पार्ट या तो रूट लोकस का पार्ट है ना। दिस बिलोंग्स टू RL रूट लोकस, मतलब के ये जो है s इक्वल्स टू माइनस रूट 5 दैट इज अ वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। सो s इक्वल्स टू माइनस रूट 5 दैट इज अ वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। सो यहां पे हमारा s इक्वल्स टू माइनस रूट 5 दिस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट MCQ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, द रेंज ऑफ k फॉर विच ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स एस प्लेन, मतलब के k की रेंज फाइंड करनी है सच दैट दिस डेल्टा एस रिमेन्स इन अ स्टेबल रीजियन, मतलब के लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में रहे। सो ये बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, हमारे पास डेल्टा एस जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो है s³ प्लस 3s² प्लस 2s प्लस k इक्वल्स टू जीरो। सो फ्रॉम दिस वी कैन डायरेक्टली मूव फॉर अ Rao-Hurwitz एरे, और हमारा जो RH एरे है वो हमें क्या मिलेगा, s³ s² s1 s³ दैट इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज k। सो ये हमें मिलेगा 6 माइनस k डिवाइड बाय 2 0, एंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा k। सो अब फॉर स्टेबिलिटी ये जो है फर्स्ट कॉलम, इसके अगर सारे कंपोनेंट सेम साइन के हैं, मतलब कि ये अगर पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो अगर ये भी पॉजिटिव बचे और ये भी पॉजिटिव मिले, मतलब के फॉर स्टेबिलिटी हमें जो k है एक तो ग्रेटर देन जीरो चाहिए, फ्रॉम दिस वी कैन से, और फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, हमारा जो 6 माइनस के डिवाइड बाय 2 है वो भी ग्रेटर देन जीरो चाहिए, मतलब के 6 शुड बी ग्रेटर देन k, और इनडायरेक्टली द k शुड बी लेस देन 6 और 0 से बड़ा चाहिए। सो फॉर दिस रेंज हमें पता है कि हमारा जो ये सिस्टम है जिसका ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो स्टेबल मिलेगा, ताकि उसके सभी रूट्स सभी पोल लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेंगे, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, और क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स हैज मैक्सिमम पीक ओवर शूट ड्यू टू अ यूनिट स्टेप इनपुट,
मतलब कि हमारे पास सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन देखे गए, मतलब कि हमें सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन दिए हैं ए बी सी डी, और उसके ऊपर से हमें फाइंड करना है कि आउट ऑफ दिस फोर कौन से सिस्टम का जो पीक ओवरशूट है वो हाईएस्ट है, राइट? सो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, सो उसके ऊपर से वी कैन फाइंड जीटा फॉर ऑल द सिस्टम, राइट? क्योंकि आप देखो सभी सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो सेम देके रखी है ना, मतलब के सभी सिस्टम जो है उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा है वो हमें 10 देके रखी है, बट उसका जो क्वाड्रेटिक टर्म्स है वो ही डिफरेंट है, राइट? सो अगर हम चारों ट्रांसफर फंक्शन के जीटा फाइंड करेंगे तो उसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा पीक ओवरशूट कौन सा ज़्यादा है। सो ए जो है उसका हमें आप सॉल्व करोगे सो उसका हमें जीटा क्या मिलेगा, आई हैव कैलकुलेटेड, सो फॉर ए वी हैव जीटा का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके लिए हमें जीटा मिल रहा है 0.5, ये जीटा की वैल्यूज है ये ट्रांसफर फंक्शन के लिए, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो है ट्रांसफर फंक्शन। बी के लिए हमें जीटा मिल रहा है 0.75, सी जो है उसके लिए हमें जीटा मिल रहा है 0.25, और डी जो है उसके लिए हमें जीटा मिल रहा है 1। तो ये हमें एक टेबल मिल गया ट्रांसफर फंक्शन एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जीटा का। नाउ यू नो दैट पीक ओवरशूट का फॉर्मूला क्या है, ई रेस 2 माइनस पाई जीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा रिलेशन जीटा और पीक ओवरशूट का, कि आप अगर जीटा की वैल्यू बढ़ाओगे सो आपका जो पीक ओवरशूट है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। सो अगर हमें पीक ओवरशूट हाईएस्ट फाइंड करना है सो जीटा की वैल्यू लोएस्ट रखनी पड़ेगी, मतलब के ये चारों ट्रांसफर फंक्शन में जिस ट्रांसफर फंक्शन का जीटा सबसे लोएस्ट है उसका पीक ओवरशूट सबसे हाईएस्ट रहेगा, मतलब कि हमारा जो ये सी आंसर है सी ऑप्शन है उसका जो जीटा है वो लोएस्ट है, मतलब कि उसका पीक ओवरशूट सबसे ज्यादा रहेगा, राइट? सो दिस सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एमसीक्यू, आई थिंक दिस इज द लास्ट एमसीक्यू फॉर दिस वीडियो सीरीज। सो चलते चलते हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट एमसीक्यू की ओर। सो अभी इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, कंसीडर द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय फॉलोइंग स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन एक्स डॉट, हम इसे एक्स डॉट कह सकते हैं, दैट इज ए एक्स प्लस बी यू एंड वाई इक्वल्स टू सी एक्स, यहाँ पे जो डी मैट्रिक्स है दैट इज जीरो मैट्रिक्स, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इनिशियल कंडीशन एक्स जीरो, सो एक्स जीरो देख के रखी है 1 0। द वैल्यू ऑफ आउटपुट वाई टी एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, सेम आप EE01 2017 गेट के पेपर में भी यही देखोगे, वहां पे इन प्लेस ऑफ टी इक्वल्स टू 1 टी इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड पूछा था आई गेस, राइट? सो और इनपुट क्या देख के रखा है, इनपुट इज अ यूनिट स्टेप इनपुट। सो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्रेडिशनल मेथड है, यहाँ पे सिस्टम की जो इनिशियल कंडीशन है वो नॉन जीरो है, मतलब के जो सिस्टम का आउटपुट है सबसे पहले तो डिपेंड करेगा उसकी इनिशियल कंडीशन के ऊपर, और दूसरा वो डिपेंड करेगा यू ऑफ टी के ऊपर, उसके दिए गए इनपुट के ऊपर, राइट? सो आपको जो वाई है वाई ऑफ टी
वो मिलेगा फंक्शन ऑफ इनिशियल कंडीशंस. फॉर शॉर्ट फॉर्म इनिशियल कंडीशंस आई एम राइटिंग IC एंड दैट डिपेंड्स अपॉन आउटपुट. सो आप दोनों कंसीडर करोगे तो आपको y ऑफ t, आपको पता है फॉर्मूला, दैट इज y ऑफ t इक्वल्स टू e रेज टू at इनटू x जीरो. दिस इज बिकॉज ऑफ इनिशियल कंडीशन प्लस व्हाट इज द फॉर्मूला, 0 टू t, दिस इज b u tau, दिस इज e रेज टू a t माइनस tau d tau, and this is because of initial condition and this is because of your input. ये आप सॉल्व करोगे so it will give you the output. ठीक है. Now I will suggest some modified method. So आप क्या कर सकते हो, from this model आप इसके state equations find कर सकते हैं. So what is x1 dot? So, इसके ऊपर से आपको x1 डॉट मिल जाएगा, दैट इज x2. Am I right or wrong? x1 डॉट इक्वल्स टू x2, है ना? एंड what इज x2 डॉट? सो आपको जो x2 डॉट है वो क्या मिलेगा, दैट इज माइनस टू x2 प्लस u ऑफ t, राइट? So, ये है उसके डायनेमिक्स. और जो आपका वाई है वो क्या है, दैट इज एक्स वन. मतलब कि आप क्या कर रहे हैं कि यू इनपुट से एक्स टू को कंट्रोल कर रहे हैं, ये जो एक्स टू है वो एक्स वन को कंट्रोल कर रहा है, और अल्टीमेटली एक्स वन जो है वो है आपका आउटपुट वाई. तो आप सबसे पहले क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ ये इक्वेशन को? यस, यू कैन सॉल्व इट. Why? Because this x2 dot, it only depends on input. It does not depend on x1. इसे कहते हैं decoupled system. ये decoupled है. और फिर जो x2 का solution है, वो x1 dot के लिए input हो जाएगा. तो फिर उसके बाद में आप x1 dot को solve करोगे. और इसका जो solution होगा, वही आपका y होगा. वही आपका y होगा. राइट. सो लेट से कोशिश करते हैं ये मेथड से. सो सबसे पहले तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ का, ताकि ये पोर्शन हम यूज कर सके. ठीक है. सो लेट स्टार्ट. सो हमारे पास x2 डॉट, मतलब के हम ये देखे रखा है dx2 by dt plus 2 x2 equals to u of t. और यहाँ पे हमें चाहिए x2 0 इनिशियल कंडीशन. सो व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन, यहाँ पे इसको आप कंपेयर करोगे तो x1 0 इज 1, x2 0 इज 0, है ना? उससे सॉल्व करोगे तो आपका जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो आपको क्या मिलने वाला है, दैट इज e रेज टू इंटीग्रेशन p dt. क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो इस तरह से होगा, दैट इज dy by dt plus py equals to q. So आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपको जो p है वो 2 मिलेगा, और जो q है वो आपको u of t मिलेगा. And what is u of t? That is 1 for t greater than equal to 0, है ना? तो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हुआ, इंटीग्रेशन p is 2, so that is 2 का इंटीग्रेशन, तो आपको t ही मिलेगा. सो दिस इज e रेज टू 2t. तो अब आपको इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, सो यू नो द सॉल्यूशन, दैट इज x2 इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर, दैट इज e रेज टू 2t इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q, दैट इज 1 इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर dt प्लस c, राइट? इस तरह से मिलेगा, है ना? लेट्स से दिस इज c2, बिकॉज दिस इज x2 डायनामिक्स.
तो अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो एक्स टू ई रेस टू टू टी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू टू टी का इंटीग्रेशन, दैट इज ई रेस टू टू टी बाय टू प्लस सम सी टू, राइट। सो इफ यू सॉल्व दिस, आपको जो है एक्स टू का सॉल्यूशन दैट इज एक्स टू टी वो क्या मिलेगा, दिस इज वन बाय टू प्लस सी टू ई रेस टू माइनस टू टी। नाउ इफ यू टेक टी इक्वल्स टू जीरो, आपको सी टू क्या मिलेगा, दिस इज एक्स टू जीरो, तो आपको सी टू मिलेगा माइनस वन बाय टू, तो आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया दैट इज एक्स टू टी, एंड दैट एक्स टू टी इज वन बाय टू वन माइनस ई रेस टू माइनस टू टी, राइट। सो आपको एक्स टू टी के डायनेमिक्स मिल गए, आपके पास एक्स टू टी के डायनेमिक्स है, ठीक है। अब हमें एक्स वन टी फाइंड करना है, तो मैं ये इरेज कर देता हूं इतना पोर्शन, सो व्हाट इज एक्स वन डॉट, दैट इज डी एक्स वन बाय डी टी इक्वल्स टू एक्स टू टी, व्हाट इज एक्स टू टी, that is 1 by 2 1 minus e raised to minus 2t, hai na, so this is tx1 by dt, this is differentiation, so if you take integration both the side, so yahan pe bhi aap integration karoge integration dt, yahan pe bhi integration dt karoge to aapko ye kya milne wala hai, this is x1t, right, this is x1t, और सामने आपको क्या मिलेगा, दिस इज टी बाय टू, दिस इज प्लस ई रेस टू माइनस टू टी बाय फोर, क्योंकि मैं वन बाय टू अंदर ले जा रहा हूं, तो ई रेस टू माइनस टू टी का इंटीग्रेशन माइनस ई रेस टू माइनस टू टी बाय माइनस टू, सो माइनस माइनस प्लस टू इंटू टू फोर प्लस सम कॉन्स्टेंट, है ना। सो फ्रॉम दिस this is x1t, now what is x10 here, x10 क्या देके रखा है, 1, initial condition 1 है, so अगर मैं यहाँ पे t equals to 0 ले लूँगा, तो ये term तो 0 हो जाएगा, e raised to 0 is 1, तो यहाँ पे बचेगा 1 by 4 plus c1, तो मुझे c1 क्या मिलेगा, ये term जो है that is 1, so मुझे ये क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 बाय 4 दैट इज 3 बाय 4, राइट। सो c1 जो होगा वो मुझे मिल रहा है 3 बाय 4, सो यूजिंग c1 3 बाय 4 मुझे जो x1t है वो मिल रहा है 3 बाय 2 प्लस e raise to minus 2t by 4 plus 3 by 4. Ab, what is x1? That is ultimately the y of t. So y of t mujhe ye dynamic mil gaye. Ab yahan pe main, if I take t equals to 1, so mujhe y of 1 kya dega ye? Y of 1. यहाँ पे मैं सभी जगह पे ये 1 बाई टू हो जाएगा, ये हो जाएगा माई ई रेस टू माइनस टी माइनस टू बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर, तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो आई विल गेट 1.2838, राइट। सो ये है राइट आंसर, सो दिस इज वाई ऑफ वन दैट इज 1.2838। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं हमारे ये वीडियो लेक्चर को, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है
सो प्लीज हमें सपोर्ट करें, ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके फीडबैक दें। आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा गेट 2017 के इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर का। सो हमारे साथ जुड़े रहिए। माय ऑल बेस्ट विशेस विथ यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।